बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण साह लौरिया पहुँचे। उन्होंने कहा कि बेतिया के सागर पोखरा, कालीबाग मंदिर, राजद योड़ी आदि जगहों पर महात्मा गांधी का चित्र स्थापित किया जाए और इसका विकास हो। इसी कड़ी में उन्होंने लौरिया के अशोक स्तंभ व लौरिया का प्राचीन टीला नंदनगढ़ का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग के SDO JEE एवं विभाग के अधिकारी साथ में हैं। उन्होंने कहा कि लौरिया का अशोक स्तंभ व नंदनगढ़ के विकास के लिए पटना में अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। वहाँ हमने अध्ययन किया चारों तरफ से कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कि यहाँ पर्यटन की जो स्थली है वहाँ आना चाहिए, उसको कैसे ठीक करें। केशवर विचार विमर्श हुआ, हमारे MD आए हैं, हमारे SDO आए हैं, हमारे JEE आए हैं, स्थानीय स्तर पर सभी पदाधिकारी हैं। इसका भ्रमण करने के बाद हम लोग पत्नी में बैठ कर इसको विचार विमर्श करके इसको विकसित करने के दिशा में आगे कार्रवाई भी लोग करें।